हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोवेटिव सेकंड टाइप वाक्य कैसे किसे हैं, पहले आपको ये समझना है। इन्हें सेकंड टाइप और डब्ल्यू एच टाइप भी कहा जाता है, यहाँ तक कि इन्हें सेकंड टाइप, डब्ल्यू एच टाइप और डबल इंट्रोवेटिव, इन्हें तीन नाम से संबोधित करते हैं हम। कल के लेक्चर में आपने सीखा था इंट्रोवर्टिव फर्स्ट टाइप, और हमने आपको इंट्रोवर्टिव फर्स्ट टाइप की पहचान बताई थी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड आदि हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो सेंटेंस जो है वो इंट्रोवर्टिव फर्स्ट टाइप है। लेकिन आज हम बात करेंगे इंट्रोवर्टिव सेकंड टाइप की। इंट्रोवर्टिव सेकंड टाइप वाक्य किसे कहते हैं, पहले आपको यह समझना है। जिस वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डब्ल्यू एच फैमिली से होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर आदि से होती है, उसे इंट्रोवर्टिव सेकंड टाइप सेंटेंस कहा जाता है। उसका रूल देख लेते हैं पहले। रूल क्या है इनडायरेक्ट बनाने का, इन वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क में बदलते हैं। यहां तक रूल इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का ही है, वहां भी आस्क में बदलते थे, यहां भी आस्क में बदलते हैं, लेकिन आगे चेंज है थोड़ा। कोमाज को हटाकर दिए गए क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच आदि से ही इनडायरेक्ट बनाते हैं। आई मीन टू से इसमें कोई कंजेक्शन दैट, इफ या वेदर नहीं लगाते हैं, दिए गए क्वेश्चन वर्ड से ही इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखिए नोट लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में इफ, वेदर या दैट का प्रयोग नहीं होता है। दिए गए क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर दिए गए डब्ल्यू एच फैमिली से ही इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। देखते हैं पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे कहा तुम कहां रहते हो। पहले हमें डायरेक्ट स्पीच का टेंस देखना है। डायरेक्ट स्पीच का टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें डू आ रहा है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे और वाक्य बन जाएगा सिंपल, इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। इनडायरेक्ट वाक्य जो है वो एसर्टिव बनता है, इंट्रोगेटिव नहीं बनता। डायरेक्ट स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव होती है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो एसर्टिव होती है। देखते हैं सेड सेड टू को आस्क में बदलते हैं। ही आस्क मी कोमा बिगिन को हटाया और क्वेश्चन वर्ड को रख दिया उठा के यहां पे। वेयर यू सेकंड पर्सन है, पहले पर्सन को बदलते हैं वर्ब पर दूसरे नंबर पर बदलते हैं, ये बात ध्यान रखने की है। पहले नंबर पर आपको पर्सन चेंज करना है, दूसरे नंबर पर वर्ब चेंज करनी है। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, मी का सब्जेक्ट आई, इसमें डू आया है, इसलिए सेकंड हम क्या करेंगे लिव्ड, आई लिव्ड इस तरह बदलते हैं। ही आस्क मी वेयर, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई लिव्ड और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि अब ये बना हुआ सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस है, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एसर्टिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग दिस डे, तुम क्या कर रहे हो इन दिनों तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने हमसे कहा तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। दे आस्क अस, सेड सेड टू को आस्क में बदलते हैं, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो आस्क में बदलते हैं। दे आस्क अस व्हाट, यू सेकंड पर्सन, अस का सब्जेक्ट वी, वर डूइंग, दीज का दोज और डेज, व्हाट वी वर डूइंग दोज डेज। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, माय फ्रेंड सेड वेयर डिड यू गो यस्टरडे, इसमें ध्यान रखने की बात है, इसमें केवल सेड दिया गया है, सेड टू नहीं दिया गया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेड या सेड टू को आस्क में बदलते हैं, भले ही सेड आया हो तो भी आस्क में बदलेंगे। माय फ्रेंड सेड, मैंने इसने कहा, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहां गए थे,
मेरे मित्र ने कहा तुम कल कहां गए थे? माय फ्रेंड आस्क्ड मी, क्योंकि उसने मुझसे कहा, इसलिए मी अपनी तरफ से बढ़ा देंगे मी। सेंस के अनुसार मी रख दिया। वेयर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई, डायरेक्ट स्पीक पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। हैड गोन यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, हैड गोन द प्रीवियस डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलते हैं, यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा, How are you now? तुम अब कैसे हो? उसने मुझसे कहा, तुम अब कैसे हो? He asked me, How you second person? Object me का subject I, are का was, now का then. How I was then? He asked me, How I was then? तो their guy, their student, इस तरह की जानकारी के लिए, मॉडर्न इंग्लिश के लिए, स्पोकन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। तुमसे प्यार कर रहा था जब